नीले जी पहुंच गए अपने दादी गांव। यहां अंदर से अपना सारा सामान निकाल रहे हैं और यह है जी पीछे का बगीचा हमारा। अब यहां तो ढेर सारा पेड़ उग गया है, पहले यहां भी कुछ ना कुछ फसल उगाया करते थे। ये दुल्हा है, ये दुल्हन है, बाबू किधर है फिर? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी तक जो हमने ब्लॉगिंग भी कुछ किया नहीं सुबह से उठ करके, क्योंकि इतनी ज्यादा हड़बड़ी थी और इतना ज्यादा काम था सुबह से कि मन ने क्या कि कुछ भी शूट करे, कुछ ध्यान भी नहीं रहा। और अब यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और वहाँ पर जो है हमारा नाश्ता लग चुका है, तो जा करके पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ देख सकते हैं बाबू को मजे में झूला झूल रहा है, वहाँ दादी जो है अपना झूला रही है, फोन पर बात भी चल रहा है और साथ साथ इधर झूला भी झूल रहा है। इससे बढ़िया नौकर भी नहीं मिल सकता है। अच्छा, दो दो दादी नौकर है। हाँ। इससे बड़ा वो तो महाराजा बादशाह है। महाराजा नहीं, बादशाह। दो दादी सेवा में हाजिर है। अभी चल रहे हैं जी सलून। सलून में जा करके जो है थोड़ा सा हेयर कट करवा लेते हैं, शेव करवा लेते हैं, बहुत दिनों से नहीं करवाया है। जब थोड़ा सा अस्त व्यस्त था लाइफ, अभी मौका मिला है तो चलते हैं। Few moments later करवा लिया जी हेयर कट और दाढ़ी को थोड़ा सेट। अब इसके बाद सीधा चलते हैं घर। हेयर कट का आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैंने कैप लगा रखा है, बाहर है बहुत तेज धूप। इसलिए ये जो है टोपी पहने हुए है। ये फोन बड़ा होगा कितना है इसका? Seconds later क्या बर्थडे बिस्किट होगा क्या बड़ा वाला? मॉम्स मैजिक होगा। अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 3:30 और हमें निकलना है दादी घर। जी हाँ, आज हम अपने दादी घर जा रहे हैं जो कि बनमनखी में है। क्या है जी, हमारा बाबू जन्म लिया है और हम लोग का जो सोखा बाबा है जो हमारे कुल देवता है, वहाँ पर जा करके पूजा करनी है। वैसे जाना तो बाबू को भी चाहिए था और जाना तो जिया को भी चाहिए था, लेकिन कंडीशन है नहीं उनका कि अभी वो जा सके। तो वो भी जाएंगे लेकिन 2-3 महीने बाद वो सब जाएंगे, जब जिया पूरी तरह से रिकवर कर जाएगी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जा करके पूजा कर लेंगे। तो फिलहाल अभी जाते हैं, गाड़ी उठा करके लाते हैं और फिर चलेंगे सब। गाड़ी तो ले आए हैं जी, उसको लगा दिया फील्ड में, इस गली में नहीं लाए क्योंकि बहुत सारा बाइक लगा हुआ है। तो सभी बाइक वालों को एक एक करके बोलना कि अपना बाइक हटाइए तब गाड़ी घुसाएंगे, उस झंझट में नहीं पड़ना, अच्छा है कि वहीं पर बाइक लगा दी। तो सीधा चलते अंदर, मम्मी पापा तो तैयार हो गए होंगे अभी। देख रहे हैं यहाँ क्या हालत है, यहाँ पर 3-3 बाइक हो, यहाँ से टर्न लेना जो है मुश्किल है क्योंकि सड़क भी काफी पतली है। यहाँ मम्मी पापा भी तैयार है जी, चले मम्मी। अच्छा चप्पल खो गया है, बाय बाय, गुड बाय, गया। किसका चप्पल पहनी है? पापा के ले लिए। वाह बढ़िया, दे रही दिया के बोला है नहीं। कोई नहीं, हम भी अपना चप्पल ले लिए हैं, इसमें चलते हैं। महादेव करेंगे तो गुसल पहुंचा के अपने भगवान। बिल्कुल, जिसका खोएगा अपने पोता के उदन उत्सव में आया है, तुम्हारा सब कुछ देना लाजमी। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। पहले ढूंढने प्रयास करो। गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है जी, यहाँ पर बच्चे सब क्रिकेट खेलते हैं, लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जल्दी से गाड़ी निकाल लेते हैं। बच्चा सब क्रिकेट खेलना था, भैया थोड़ा गाड़ी को राइट में लगा दीजिए, हम लोग के कारण रुका हुआ है क्रिकेट। चलते हैं, अब चलते हैं, बच्चा सब क्रिकेट खेल लेगा अपना। कितना भैया? आप ले लिया जी लड्डू, गांव जा रहे हैं और हमारा बाबू आया है दुनिया में, तो उन सबको तो मिठाई भी नहीं खिलाया है, तो उन सबके लिए सोचा मिठाई कटिहार से लेकर के आ जाए। वहाँ का मिठाई तो वो लोग खाते ही होंगे, कटिहार का कभी कदर मिला होगा जब कोई लोग जाते होंगे तो। वहाँ गाड़ी लगी हुई है, चलते हैं सीधा। ये 2 किलो ले लिया है, 2 किलो ज्यादा ही ले लिया, थोड़ा 5 सुपारी चढ़ाना लेना है, 5 सुपारी आगे ले लेंगे, मीरगंज में ले लेंगे। ठीक है चलो चलते हैं। A few moments later अभी बीच रास्ते में रुके हुए थे जी, इस जगह का नाम है मीरगंज। कुछ नाश्ता कर लिया यहाँ पर, पेट पूजा कर लिया, 5 सुपारी सब भी लेना था पूजा के लिए, जो कटिहार में लेना भूल गए थे, तो यहाँ पर ले लिए हैं हम। और सभी की पेट पूजा हो चुकी है, अब सीधा चलते हैं और रुकेंगे सीधे गाँव। जी पहुंच गए अपने दादी गांव। यहां अंदर से अपना सारा सामान निकाल रहे हैं, कुछ लगता है कुत्ते और पिल्ले सब है यहां पर, जो देखते ही भौं भौं स्टार्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, आज ही की बात है, पहचान जाएंगे फिर नहीं करेंगे। तो पहुंच गए जी घर, यहां पर हमारा लग रहा है नाश्ता, बड़ी मम्मी जल्दी लगाया जाए। यहाँ मिली है हमारी भतीजी रोली से। रोली कहाँ जा रही है? सब बताओ रोली कहाँ पे? यहाँ पे रोली यहाँ दे रही है पोज, आगे फोटो रोली। और कौन सा पोज देना बताओ? ऐसा बोल, ठीक है। और हाँ वाह बहुत बढ़िया। और ये कौन है? ये दुल्हा है, ये दुल्हन है, बाबू किधर है फिर? अच्छा बाबू भी है साथ में, हम तो उसे ही बोल दिए थे लेकिन है।
शादी क्या की है तुम इसका? मेकअप किया है? नहीं सिंदूर है। सिंदूर लगाई है? वाह एकदम भारतीय नारी है ना? नहीं पूजा फुआ। अच्छा पूजा फुआ लाया नहीं है बनाया है। अच्छा बनाया है ओके। कपड़ा का बना हुआ काकी है तो ये मंगल। अच्छा ये सूप है लावा छिड़ियाने वाला। वाह बहुत ही खूबसूरत सा है। ये लोग गिर गया एक सूप उठा लो। The next day. उठ गए हैं जी और गाड़ी को यहाँ पर लगा दिया है। गाड़ी हो चुका है काफी ज्यादा गंदा। अब इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। इसके बाद जो है कल जो प्रसाद लाए थे उस प्रसाद को चढ़ाना भी है, फिर सभी को देंगे और उसके बाद घर भी निकलना है। यह है जी हमारे घर का गोडाउन। एक गोडाउन उधर भी अंदर भी है और अभी मक्के की फसल हुई है तो सारा मक्का यहाँ पर लाया गया है। थ्रेसर आएगा और सभी को छुड़ाएगा। खेत में भी पड़ा हुआ है ना? खेत में भी है अभी नहीं हुआ है। ये तो यहाँ तक भर गया पूरा भर जाता है। हुआ भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी अपने घर का जो पीछे का साइड है। यहाँ देख सकते हैं कटहल का पेड़ है। अच्छा खासा कटहल होता है यहाँ पर। यहाँ भी एक पेड़ है, दरवाजे पर भी एक पेड़ है। तो यहाँ पर आकर के हमें कटहल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पर अच्छा खासा कटहल हो जाता है, एक पूरा सीजन चल जाता है। कहिए पतरस कहिए ये उसका पेड़। अच्छा तेज पत्ता ये वाला भी यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोग को। गाँव के यही फायदा है। बिल्कुल वहाँ पर एक तो डाब का पेड़ भी था लेकिन अभी वो है नहीं, हट चुका है लगता है। और यह है जी पीछे का बगीचा हमारा। अब यहाँ तो ढेर सारा पेड़ उग गया है। पहले यहाँ भी कुछ ना कुछ फसल उगाया करते थे लेकिन अभी जो है बड़े पापा का एज हो चुका है तो अब उतना सक्षम नहीं है कि इस तरह से भागा दौड़ी करने का। अब जो भी होता है मेन खेती, चाहे मक्का हो चाहे मूंग हो चाहे सूर्यमुखी हो, ये तो इन्हीं सब की खेती होती है और उसके लिए मिल जाते हैं आदमी तो वही सब करते हैं और बाकी ये जो है अपना निगरानी करते हैं। हो गया जी गाड़ी साफ और हो गया जी पूजा। अब इसके बाद जो है प्रसाद को बांटते हैं और प्रसाद बांट करके जो है अब निकलते हैं। समय भी अच्छा खासा हो चुका है और मौसम भी देख रहे हैं बारिश के जैसा कुछ मौसम है। बारिश हो जाएगी तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगी तो इससे पहले निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ चुका है जी। तो सबसे पहले प्रसाद का शुरुआत हमसे किया था। इस आंगन में तो मिठाई भट किया जी। अब जाते हैं दूसरे आंगन, वहाँ भी दिया है सभी को। दीदी ये ले लो प्रसाद। अब बारी है जी यहाँ से निकलने की तो मम्मी भी अब तैयार है, पापा यहीं रुकेंगे। बिल्कुल जी। पर सभी बड़ों का जो है पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं फिर निकलते हैं। चप्पल होता खोल कर देवे गर्दा लग जाए। तू तो सोशल मीडिया चप्पल मीडिया तू चप्पल बारे में हमारा कह देवे। नहीं तो बिल्कुल चढ़ना है आपको। जमाइयो के सब पूरा भए गेलै। ऑर्डर और सब मेहमानी लगबै ने। हां सब कृष्णो ऑर्डर। 3 आवर्स लेटर गांव से वापस लौट करके आ गए जी। बहुत ही तेज गर्मी है यहाँ पर। गांव में तो थी ही गर्मी, यहाँ भी कम गर्मी नहीं है। अब सीधा जाते हैं नहाएंगे। उसे नहा तो वहाँ चुके हैं ही लेकिन एक बार और नहा लेंगे ताकि फ्रेश हो जाए। फिर गाँव से ये सब आए थे कटहल से।